प्राप्त नहीं। विजय, इस व्यक्ति को चंगा करना कहीं विश्राम दिवस का उल्लंघन तो नहीं? बताइए, आज क्या विश्राम दिवस है? हाँ गुरुवार। संहिता में क्या लिखा है? तुम संहिता के कहे शब्दों को सुनकर ढोंग रचते हो, किंतु आत्मा क्या कहता है वह समझने की बुद्धि तो तुम्हें है ही नहीं। विश्राम के दिन काम ना करने का अभिप्राय यह नहीं कि तुम पेट के पानी को भी ना हिलाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम उस दिन ईश्वर की स्तुति एवं प्रशंसा करो और वह कार्य करो जो स्तुति प्रशंसा से जुड़े हो। तो सोचो, जिसने अपनी आत्मा वह अपनी सांसें फूंककर मनुष्यों की सृष्टि की है, उसके सामने सभी बच्चे हैं, अर्थात पापी, दुखी, बीमार, लाचार, इनकी सहायता करने में विश्राम दिवस बाधा नहीं डालता, किंतु यही उचित दिन होता है भले कार्य करने का। हे भाई, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, ये कैसा पापी मनुष्य है, ये विश्राम दिवस को तोड़ रहा है, यह पापों को क्षमा करने की आज्ञा दे रहा है, इसे अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, ये एक मनुष्य होकर ईश्वर व उसके पुत्र की बात होने की बातें कर रहा है, इसे तो मृत्युदंड होना चाहिए। तुम्हारे मन में ऐसे बुरे विचार क्यों आते हैं? इसमें कुछ गलती है क्या? नहीं, पृथ्वी के पाप क्षमा करने के लिए मानव पुत्र को अधिकार है। हे भाई, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो, चलो, फिरो और ईश्वर के संतान होने का आनंद सभी के साथ बांटो। बेंडा को भून क्या नहीं भैया? अब मैं सिस्टर को अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी भावना व्यक्त करें।